किरपाल सिंह बडूंगर अब सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। बडूंगर का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बता दें कि बडूंगर ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए खालिस्तान की मांग को जायज ठहराया था। मैं ये कह रहा कि सिख कौम तो बद देश भगत कोई कौम है नहीं हिंदुस्तान दे विच। सिख कौम का सारा इतिहास गुरु नानक देव पातशाह से लेके हुण तक हिंदुस्तान की होंद हस्ती धर्म विरासत सभ्याचार सदाचार को बचाने वास्ते पूरा भरया होया। इसलिए उस कौम के नाल उस कौम की श्रोमणी गुरद्वारा पंथक मंडी के प्रधान बारे कोई इदां दी ऊल जुल कहना किसी तरह वाजब नहीं है। किरपाल सिंह बडूंगर पटियाला में गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में करवाए गए गुरमत समागम में शिरकत करने पहुंचे थे। ये समागम सिख पंथ के महान विद्वान भाई नंदलाल सिंह की याद में करवाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख इतिहास में भाई नंदलाल का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिखी के प्रचार के लिए एसजीपीसी की तरफ से ऐसे समागम आगे भी जारी रहेंगे। भाई नंदलाल जी को जिहड़े दसवें पातशाह दे नाल बड़ा लंबा समा रहे उन्होंने अनिल भगत सी अनिल सिख सी उन्होंने दे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे जीवन बारे उन्होंने शख्सियत बारे बहुत कुछ लिखा जिन्हें बंदगी नामा जिंदगी नामा लिख के बड़ा बड़ा सानू एक बख्शिश की और रहतनामा लिख के दिता वो भाई नंद लाल जी गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पातशाही नौवीं स्थान पर कीर्तन समागम कराया जा रहा 96वां यह प्रोग्राम है यह तो जारी रहेगा। इस अवसर पर हजूरी रागियों की तरफ से कीर्तन पेश किया गया जिसे सुन समागम में पहुंची संगतें निहाल हुई। पटियाला से हरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।